टू माई चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन फर्स्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइबर लॉ की क्विजेस पढ़ने वाले हैं, जो हमारी है किसकी, फिफ्थ यूनिट की। तो अगर आप चैनल पे न्यू हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है कि ये जो डेफिनेशन है वो साइबर लॉ की है, साइबर ज्यूरिसप्रूडेंस की है, साइबर ज्यूरिसडिक्शन की है या नन ऑफ दिस है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी रहती है, अगर हम लॉ की रिलेवेंट बात करें, जो अथॉरिटी देती है किसी भी केस पे अगेन चेक ऑन करने के लिए या फिर से उस केस के ऊपर बात करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए। ये अथॉरिटी कोर्ट में किस टर्मोलॉजी में दी जाती है? तो इसका आंसर है साइबर ज्यूरिसडिक्शन, जो कि है थर्ड नंबर पे, फर्स्ट का सी। साइबर ज्यूरिसडिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी और एक्सटेंड इन विच अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी ओवर सूट्स केसेस अपील। तो जो इसका फर्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा, सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस में हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं? तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो टर्मोलॉजी है वो है सेकेंड यूनिट की, जिसके अंदर आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो रिलेवेंट होती हैं किसके, डिस्प्यूट्स के। और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो एक तरह से एक अल्टरनेटिव का काम करता है कि जो आपका कोर्ट है आप वहाँ पर ना जाएँ या फिर आप जो जज हैं उनके पास ना जाएँ और आपका मैटर किसी भी तरह से सॉल्व किया जा सके, लेकिन वो लीगल प्रोसेस हो। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई, वो सारी के सारी हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में कंप्लीट कर सकते हैं। मींस व्हाट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स और क्लेम। बिल्कुल करेक्ट है, ये सेकेंड ऑप्शन में अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कोर्ट के रिगार्डिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है इसको यूज किया जाता है किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो जो इसका आंसर होगा डेट इज सेकेंड का लास्ट, मीन्स डी, और ये इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीडिएशन। ओके, तो इसमें जो टर्मोलॉजी दी गई है ये करेक्ट है या नहीं है? तो सही है ये टर्मोलॉजी, मीडिएशन की डेफिनेशन ही यही है कि मीडिएशन इज अ प्राइवेट प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन कॉल्ड मीडिएटर हेल्प्स द पार्टी टू डिस्कस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। इसमें मीडिएटर का मीडिएटर का मतलब जो होता है वही यहाँ पर भी है कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मीडिएटर, थर्ड पार्टी आए, थर्ड पर्सन आए जो एज अ मीडिएटर काम करे और दोनों के बीच को सॉल्व के डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है यह प्रोसेस बताए। तो ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोलते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए जो थर्ड है इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट मीन्स ट्रू, थर्ड का ए ऑप्शन। आफ्टर दैट आते हैं निगोशिएशन। निगोशिएशन इज अ वॉलेंट्री एंड यूजली इनफॉर्मल प्रोसेस इन विच पार्टी आइडेंटिफाई इश्यूज ऑफ कंसर्न एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज। द सर्च फॉर अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट टू सॉल्व द इश्यूज रेस्ड। बिल्कुल, निगोशिएशन भी का मतलब जैसा होता है हिंदी में वही है, जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको हम किस वे में, इनफॉर्मल वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कुछ एग्रीमेंट्स दोनों पार्टी साइन करके उसको सॉल्व करें, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, निगोशिएशन बोलते हैं। तो ये जो आपका फोर्थ है इसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट दी है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, ट्रू। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के बारे में आप 50 यूनिट में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ करता क्या है, क्या वो सिर्फ रेगुलेट करता है सारा का सारा जो क्राइम रहता है वो रिलेवेंट स्टेट, या फिर वो नेशन को देखता है, या फिर वो इंटरनेशनल क्राइम को देखता है, या इसमें से किसी को भी नहीं देखता है? तो ऑफकोर्स अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ सब कुछ देखेगा जो कि रिलेवेंट होगा इंटरनेशनल, मीन्स इंटरनेशनल साइबर से रिलेवेंट जितने भी क्राइम होंगे वो कवर अप किस में होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. सॉरी, इट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट. इसमें से कौन सी चीज है जिसमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो हैंडल होते हैं कोर्ट के अंदर. लिटिगेशन, साइबर क्राइम, साइबर सेक्सट्रॉशन. तो इसमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी चीजें हैं, ये कोर्ट के अंदर सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है. और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो पार्ट है वो है लिटिगेशन का. अगर आपको यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दिया हुआ रहता तो इसका आंसर यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है. और फिफ्थ यूनिट लिटिगेशन से रिलेवेंट है और लिटिगेशन के अंडर ही आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पार्ट में. तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सिक्स्थ का फर्स्ट. सो दैट्स ऑल. इट्स अ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोफेसर आयुषी अर्चरे. और इसी के साथ मैं साइबर लॉ को पूरी तरह से अब एंड कर रही हूँ, क्योंकि साइबर लॉ का मैंने पूरी यूनिट्स को आरजीपीवी के अकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है. इसके बाद मैंने 50 मिनट्स का 40 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने पांचवी यूनिट की कंबाइंड क्विजेस ली थी. और ये हमारा लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट. इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 इंडिविजुअल यूनिट के वीडियोज भी अपलोड कर दिए. तो हमारा साइबर लॉ पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है. और अगर आपको मेरा साइबर लॉ के लिए वीडियोस अच्छे लगे, मेरे एफर्ट अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और ये भी बताइए कि मैं अगले वीडियो किस सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड ऑल्सो फॉर सब्सक्रिप्शंस. थैंक यू सो मच.